नमस्कार आम विशेष उपस्थापना मत को स्वागत करिन्मयी मत में आज विषय वस्तु रही दुर्दिन में फनी क्षतिग्रस्त सरकार पक्का घर प्रहलिका फनी क्षतिग्रस्त को घर केवे दुई वर्ष पर भी मिलूनी सहायता आज भी पॉलीथिन तले कटुचे जीवन 1999 महावात्या ठारु आरंभ करी फोनी ए सबु बात्या को सामना करिछंती पुरीवासी फोनी रे पुरीर विभिन्न ब्लॉक रे चारकार होइ जैथिला घर ए दृश्य होछि पुरी जिला सोरबा पंचायत मुरुडा गार फोनी रे बासहरा होइतिले अनेक एवं उडी जैथिला छाळो छपर किंतु आज भी सही चित्र रे विशेष भिन्नता देखिबा को मिलोनी सही भंगा कुडिया रे जीवन काटुछंती ग्रामवासी काहे के मिलोनी घर सरकार को तथ्य भिन्न आ वास्तव चित्र भिन्न ताहाले घर पाउछंती के एहा आज आलोचना दुर्नीति रे फनी क्षतिग्रस्त वर्तमान सरकार जो सरकार दावी करुछंती जे राज्य रे एते लोकों को से कच्चा घर देछंती वास्तविक कहा को देछंती कारण वर्तमान हिताधिकारी अभियोग करुछंती जे धनी श्रेणी रो लोक माने घर पाउछंती किंतु गरीब पाउनाहंती जे माने लांचो दे परुछंती जे माने टंका देउछंती सेमानन को घर मिलुछि आ जे माने को पाखरे टंका नाही सेमाने कर्म को आदरी पड़ी रहिछंती एवं भगवान को भरोसा रे छाड़ी देछंती एभली अनेक चित्र सामना को आसुछि कारण जेतेबेले बात्या यश आसिला सेतेबेले सरकार को सत सामना को आसिला सरकार कहिले जो माने कच्चा घरे रहउछंती इवाकुएसन कराजबो ताले ये प्रश्न काही के राज्य रे आज भी लोक कच्चा घरे रहउछंती जेतेबेले 21 वर्षर स्थायी सरकार रहिछि किंतु काही के आज पर्यंत लोकक पाखरे पक्का घर पहुंचने असुविधा केउठी एने आलोचना करबा आलोचना रे हम सहित जोडी होउछंती आरटीआई कर्मी प्रदीप प्रधान जोडी होउछंती श्रीजुक्त प्रधान आपण को आलोचना को स्वागत जनइबि जेहेतु आपण जने आरटीआई कर्मी अनेक तथ्य आपण को सामना रे थिबो लोक माने एबे अभिजोग करुछंती जे सेमानन को पाखरे पक्का घर टिए नाही 21 वर्षर स्थायी सरकार आउ केते दिन लागिबो श्रीजुक्त प्रधान शुणि पार्छन्ति श्रीजुक्त प्रधान को आमे तांको सहित जोडिया एवं आलोचना करबा वर्तमान किछि समस्या उपजिछे किंतु कालू आम सहित जोडी होउछन्ति कालूचरण ग्राउंड जीरो रे रहिछन्ति कौन स्थिति वर्तमान रो देखुछन्ति लोके जहां अभिजोग करुछन्ति सेतिरे केते सत्यता रहिछि निश्चित भाव चिन्मय आम अच्छु पूरी सदर अर्थात चंदनपुर निकट अच्छा जो चित्र आम भी देखुचु रास्ता कड़े भुवनेश्वर पूरी जातीय राजपथ रास्ता कड़े दलित परिवार व्यक्ति मान रही किंतु तांकर अवस्था एभली चित्र आम देखुचु जहाँकि आप न देखले मतलब विश्वास कर चित्र देखा चाहिए घर चित्र देखा परवर्त समय आम आलोचना करवा यह चित्र देखिपे ये टंबू कुड़िया जो काठ बलड़ा भितर जो चांच बलड़ा ताटी कबाट घर देखुं यह हूँ से ही घर जोटी आश्रय नहीं किंतु देखिपे चित्र जो भी भाव में सीधा सड़क यह हूँ रास्ता कड़ पुरी भुवनेश्वर जातीय राजपथर रास्ता कड़ चित्र आम आलोचना करवा आम सहित यही जगह रोकवा लोके भाई केते दिन है आप जगह रुहत घर द्वार अवस्था केमी सरकार सहायता कौन पाई 50 वर्ष किसी ना पक्का किसी ना कि इंदिरावास ना कि फनी घर भांगी गला पैसा पत्र किसी ना कालिया योजना ना कि ना किसी तो पाइबा आज जाए सब अभियोग करते कारण रास्ता पूरा एनएच दाढ़ पुरी भुवनेश्वर जातीय राजपथ क्या अभियोग सब कर अभियोग तो करें आम पर मंत्री ये कलेक्टर पाखे पहुँचल सीठी जाए जनईलु आज जाए किसी प्रमाणपत्र पैसा पत्र किसी साहय ना आम आलोचना करवा सहित अन्य भाई जन अच्छा भाई कमी कौन चलती है जगह घर द्वार अवस्था घर द्वार तो अगर भागला बातिया टाइम घर द्वार भागला भागिया भागे समस्त मीडिया वाला सब आसते फटो फटो उठेले फटो उठा भितर तो ये देखिकी गल देखा भितर कि ना आम पाई ना कि ना आपर घर द्वार भागिक आम अवस्था बहुचु कित पक्का घर ना कि छात घर ना कि ना भाई केमी कौन चलती जेहतु आम देखुचे पूरी भुवनेश्वर जातीय राजपथर सैट रही घर गुड़ाक केमी के आज 50 वर्ष हो गाड़ी 50 वर्ष वर्ष भर में आम कौन से दायित्व बुझुना आज का भंडुंट आम हाथ किसी पार नहीं कि आम तो क्या चिन्ह पार ना आम किए चिन्ह से कौन कौन पीड़ो जगह अच्छे तुम्हें किसी ना सरकार समस्त को दौरान बोली कौन पक्का घर नारा होम तम नारे दि सब दायित्व खंडे
निश्चित भाव में कालु आमको जो चित्र देखा रास्ता उपरे एनएच साइड रे जो घर गुड़िक रही आज भी सेठी चाल छपर घर रही किंतु कहारी नजर रे पड़ुनी आ लोक जहाँ अभियोग बारंबार एनएच प्रशासन को जणाइछंती किंतु आज पर्यंत कथा केही सुनि नाहंती बा दुख दूर होइनी। एटी प्रश्न उठुछि जेतेबेले सरकार सबु समय लोकंक पाखरे पहुंचिबा कथा कहउछंती लोकंक पक्का घर जोगाइ देबा कथा कहउछंती ताले वास्तविक घर पाउछि के कारण फनी रे जो माने क्षतिग्रस्त होइतिले से क्षतिग्रस्त को आज को दुई वर्ष पूरी गलानी दुई वर्ष रु ऊर्ध बीती गलानी समय किंतु आज पर्यंत मध्य क्षतिग्रस्त माने सेमानक सहायता पाइ नाहंती आउ जो माने खास करी कच्चा घर रहिछि सेमाने आज पर्यंत पक्का घरटिए पाइ नाहंती। ओडिसा एमिति एक राज्य उपकूलवर्ती राज्य जेंटि कि प्रत्येक वर्ष बात्या आसे बन्या आसे आउ सेतबेले सरकारक चिंता पसे जे किभली कच्चा घर लोक मानक इवाक्युएसन करदी सठिक भाव में लोक घर दि जाता वास्तविक एभली परिस्थिति सृष्टि हाँ ना तेरे आम सहित तो बर्तमान जोड़ी होती आरटीआई कर्मी प्रदीप प्रधान जोड़ी होती श्रीजुक्त प्रधान आपन को आलोचना को स्वागत जनइबी। स्थायी सरकार एक वर्ष हो गला आत वर्ष सरकार को लगे राज्य में लोक मैंने पक्का घर खंडे पाइबे जोगाजोग हो पारे आम चेष्टा करूँ श्रीजुक्त प्रधान सहित तो जोड़ेबा एवं आलोचना करने कि जो दृश्य आसूची ये अति विड़म्बनार कथा जितेबाला गोटे स्थायी सरकार रही एक बर्षर सरकार किंतु आज पर्यंत लोक मैंने कच्चा घरे जीवन अतिवाहित करुछंते बारंबार प्रशासन पाखरे गुहारी करुछंते नेता मंत्री समस्त को कहुछंते किंतु कहारी नजर पड़ुनी आउ ये विधि व्यवस्था भितरे जो माने टंका दे पारुछंते सेमानको घर दिया जाउछि बा अधिकारी माने सेमानको घर देउछंते आउ जो माने वास्तविक बा प्रकृत हिताधिकारी सेमानको घर मिलूनाही आज भी सेमानको दिन ए चाळ छपर घरे कटुछि एमिति केवल पुरी जिल्ला रो नुह राज्य रो अनेक जिल्ला रो चित्र सामना को आसुछि आउ जदि समस्तंको पाखरे कच्चा घर थांता बोधे सरकार बात्या समय इवाक्युएसन कथा चिंता करते ना कि तत्परता प्रकाश करते ना जेहेतु सरकार जानते जे आज पर्यंत से राज्यर समस्त गरीबों असहाय को पक्का घर दे पारि नाहंती तेणु बात्या आसिले सरकार मुंडबिंधा हुए सरकार केमी कच्चा घर लोक इवाक्युएसन कर दिगरे चिंता कै तेज संपर्कित तो आलोचना आगो को जारी रही वर्तमान समय हो ब्रेक ब्रेक पर स्वागत आम आलोचना करुचे मतरे जे वर्तमान फनी क्षतिग्रस्त दुर्दिन से दिन कटुची जहाक नहीं सरकार वर्तमान एक पूरा निघर निदरे सोइचंती कारण बारंबार लोक माने सरकार को पाखरे बा प्रशासन रो अधिकारी मानंकु जणाउचंती सेमानंक पाखरे वर्तमान पक्का घर टिए नाही बारंबार जेतेबेले बात्या वर्षा बन्या आसुची सेमानंकर चिंतार कारण केउठी मुंड गुंजिबे जेतेबेले सरकार समस्तंक पई समान अधिकार आनिचंती ये दिगरे जो माने जनसाधारण रही जो माने सरकार गढ़ जो मान मुख्य भूमिका रही पक्का घर टे जोगाई देवारे राज्य सरकार विफल होती कारण वर्तमान रो ग्राउंड जीरो रो चित्र जहाँ आसूची ये चित्र ही बयान करुच्छी सरकार केते तत्परता प्रकाश करुच्छंती जनहित काम कारण आज जो रिपोर्ट आसी पहुँचुची जे जदि देखा नीति आयोग रिपोर्ट रे राज्य वर्तमान जो रैंक रे थिला बा 15 रैंक रु 19 रैंक को खसी या भितर जदि देखिबे सेते पाई मध्य जो माइनस मार्क कथा कहा जाउची कच्चा घर एबे भी राज्य रे 14.20% परिवार रे परिवार बास करुछंती कच्चा घरे ये कथा नीति आयोग रिपोर्ट ही कहउची माने पूरा विश्व स्तर रे ही समस्त को जणा राज्य रे किबले शासन चलिछि राज्य सरकार केते सफल योजना करुछंती राज्यवासी विभिन्न प्रकार योजना करुछंती किंतु इम्प्लीमेंट करबा समय रे यहा सठिक भाव रे इम्प्लीमेंट हे पारुनाही जहाँ फल रे आज भी लोक कच्चा घरे दिन काटुछंती सेई समान कथा कहबी जे 21 वर्षर स्थायी सरकार 5 वर्ष नुहे 10 वर्ष नुहे 21-22 वर्षर स्थायी सरकार किंतु आउ केते समय लागिबो ए राज्यवासी को गोटे सुशासन व्यस्त भितर रखापी आउ जो माने गरीब असहाय लोक से पाखे घर पहुँचाई फनी रे अधिक सबुठ क्षतिग्रस्त होता पुरी जिला आउ पुरी जिलार बासिंदा आज
निज सहायता पाई जो मान घर भांगी से आज भी से ही भंगा कुड़िया जीवन अतिवाहित करके पक्का घर टीए ना जो मैंने हिताधिकारी अच्छा से अभियोग कर जिला प्रशासन को बारंबार जन स्थानीय जनप्रतिनिधि को जनावंट किंतु कहीं से कर्णपात करूना आ गुरुत्वपूर्ण कथा जो मैंने धनी श्रेणी लोक जो मान घर अच्छी से पुणे थे घर मिलू ताहले असुविधा क्योंकि कहीं सठिक लोक पाखे आज पर्यटन योजना पहुंची पारे तेज आम सहित बर्तमान फोनलाइन में जोड़ी होती आरटीआई कर्मी प्रदीप प्रधान श्रीजुक्त प्रधान आपन को आलोचना को स्वागत आपन जीहेतु पूरा ओतप्रोत भाव जड़ित कारण आरटीआई सूचना माध्यम अनेक सूचना आपन पाखे रही कि प्रश्न हूँ एक बर्षर सरकार असुविधा क्यों अच्छी लोक योजना देवाई फनी सहायता मिलवर जो विलंब बा ठीक लोक मिलेनि तर मुख्य कारण हूँ आमर पुरी अंचल अत्यंत भाव राजनैतिक बाछ विचार को लेकर यह भाव आर्थिक सहायता बा फनी सहायता आवंटन करा जाई प्रकृत हिताधिकारी को जो चिन्हट करके दवा कथा पुरी जिले से जेहेतु शासक दल रोक मैंने सब क्षेत्र में ओतप्रोत भाव जड़ित प्रशासनिक कल को व्यवहार कर स्थानीय बीजेडी दल विधायक ठार आरंभ करेला चामुंडा मान समस्ते कि भाव अत्यधिक बेनिफिट ने तार सुब व्यवस्था करसबू जिनस हत प्रशासनिक कल जो भाव निरपेक्ष भाव तदंत कर प्रकृत हिताधिकारी दवा कथा पूरी जिले में सेटा है फल जो मैंने प्रकृत बेनिफिशियरी से पारिनाहांति जो मानकर योग्यता आदौ ना अयोग्य लोक मानक सब आवंटन कर समस्ते प्राय हो 99% शासक दल अल्टीमेटली जिते बड़े प्रशासनिक कल जदि सरकारी व्यवस्था थिबा बा शासन को चलाउथिबा राजनैतिक दल नेता मानक द्वारा परिचालित होकरी तार समस्त कार्यक्रम जारी रखे अल्टीमेटली साधारण लोक द्वारा उपकृत हेबे ना आज जो अवस्था अच्छी देखा जा फनीर सहायता आज हजार हजार लोक जो मैंने जेन्युइन लोक मुख्यतः दलित लोक आज तार सहायता पाईना कारण एम कि भाव में सरकारी अर्थ को निजे हतईबे निजे खर्च करेंगे लुट कर खाइबे तार समस्त प्रकार चक्रांत ब्लॉक स्तर में तहसील स्तर में मैंने कर श्रीजुक्त प्रधान वर्तमान ये कथार तो पूरा स्पष्ट जे राज्य सरकार हीन राजनीति करुछंती हीन मानसिकतार शासन करुछंती किंतु श्रीजुक्त प्रधान आपण देखंतु जेतेबेले ये होचे गणतंत्र आउ जदि लोक माने सठिक भाव रे सरकार बा जो लोकंक पाखरे योजना गुडीक पहुंचाइबा कथा पहुंचाई पारुनाहती लोक माने आज मध्य कच्चा घर अतिवाहित करुछंती देखंतु वर्तमान जो नीति आयोग रिपोर्ट आसी रिपोर्ट रे संपूर्ण भाव रे लेखा होई जे 14.20% राज्य में आज भी लोक कच्चा घर बसवास करुछंती कोठना कोठी पूरा विश्व स्तर रे राज्य खराब ना प्रदर्शन करुछि सरकार अंततः एथिरु तो शिखिबार आवश्यकता रहिछि सरकार जो क्षमत जो शासक दल अच्छा विजु जनता दल से थरी नहीं आम आउ हटवार ना क्षमत रु कारण जो सब योजना करोजना गुड़ा कर दलियों लोक मैंने कितनी उपकृत हे से कमी भोट सृष्टि करे भोट हतईबे भोट दौर समर्थन करक बेनिफिट पाइबे अन्य दल रोक कि भाव में बेनिफिट पाइबे तार समस्त चक्रांत सब क्षेत्र किंतु आम राज्य रे विरोधी दल जो मैंने रहिले कांग्रेस बीजेपी और अन्य दल मैंने जो रहिले जो भी भाव में सरकार अभावकता और सरकार दुर्नीति भ्रष्टाचार बा सरकार बाछ विचारपूर्ण हिताधिकारी सहायता जो व्यवस्था कर जो विरोध करतीबाद करव जिनस लोक मैंने पहुंचे दरकार आम राज्य से जो किसी छोट बड़ विरोध कर आंदोलन हो लोकलाइज्ड हो आंचलिक स्तर में आबद्ध रोच वास्तव में राज्य स्तरीय आंदोलन हो पार ना निश्चित भाव श्रीजुक्त प्रधान देखो वर्तमान लोक मैंने जो सब योजना पा ना निज योजन पाइबा वंचित होती शासक दल जी मात्र दायी विरोधी मैंनेक मात्र दायी विरोधी काम सब शासक दल रो त्रुटि रहा पदारे पकड़ा कितु कौटी असुविधा रही कहीं त्रुटि बर्तमान पदार पड़ूनी आउ बारंबार से ही सामान सरकार गठन हो लोक मानर असुविधा से बुझुना श्रीजुक्त प्रधान आउ गोटे कथ कहें चाहिए राज्य में दुर्नीति हो लोकायुक्त गठन कर सब दुर्नीतिर खबर लोकायुक्त में पहुंचे से सठिक भाव में तदंत हो ना नहीं
ଆପଣ ମତେ ଦୁଇଟି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ହଉଛି ଯେ ଏଇ ଯୋଉ ବିରୋଧୀ ଦଳ ମାନେ ରହିଲେ ଏମାନେ କୌଣସି ନା କୌଣସି ଜାଗାରେ ଶାସକ ଦଳର ଦୁର୍ନୀତି ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାରରେ ଏମାନେ ଭାଗିଦାର ହେଇକି ଅଛନ୍ତି। କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ହଉ ବା ବିଜେପି ଦଳ ହଉ ବା ଅନ୍ୟ ଛୋଟିଆ ଦଳ ହଉ ଏମାନେ କୌଣସି ନା କୌଣସି ଜାଗାରେ ସରକାରଙ୍କର ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ଶାସନ ଏବଂ ସରକାରଙ୍କର ଦୁର୍ନୀତି ସାଙ୍ଗରେ ଏମାନେ ଏମାନଙ୍କର ସେୟାର ଅଛି ବା ଏମାନେ କୌଣସି ନା କୌଣସି ଜାଗାରେ ଭାଗିଦାର ହେଇକି ଅଛନ୍ତି ବା ସରକାରୀ କଳ ଏମାନଙ୍କୁ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରଲୋଭିତ କରିକି ରଖିଛି ଯୋଉମାନେ କି ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତରଣ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ନମ୍ବର ୱାନ୍। ନମ୍ବର ଟୁ ଯୋଉ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଲୋକାୟୁକ୍ତ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ଲୋକାୟୁକ୍ତ ଗଠନ ପାଇଁ କି ଆମେ ରାଜ୍ୟରେ ବହୁତ ଆନ୍ଦୋଳନ କଲୁ, ଲୋକାୟୁକ୍ତ ଆଇନ କରେଇଲୁ, ଲୋକାୟୁକ୍ତ ରୁଲ ତିଆରି କରାଗଲା, ଲୋକାୟୁକ୍ତ ଗଠନ କରାଗଲା। ଆମେ ବି ଭାବୁଥିଲୁ ଯୋଉମାନେ ଆକ୍ଟିଭିଷ୍ଟ ମାନେ ସ୍ୱଚ୍ଛାକର୍ମୀ ମାନେ ଦୁର୍ନୀତି ବିରୋଧରେ ଲଢୁଛୁ, ଆମେ ବି ବହୁତ କେସ୍ ବି ଫାଇଲ କରିଛୁ, ଆମେ ଭାବୁଥିଲୁ ଲୋକାୟୁକ୍ତ ଗୋଟେ ବଳିଷ୍ଠ ସଂସ୍ଥା ଭାବରେ କାମ କରିବ, ଦୁର୍ନୀତି ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ଲୋପ କରିବା ଗୋଟେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ରହିବ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଦୁଃଖର ସହ କହୁଛୁ ଯେ ଏଇ ଲୋକାୟୁକ୍ତ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଯେତେ କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଉଛି ଏମାନେ ସରକାରଙ୍କର ଗୋଟେ ଦଲାଲି ସଂସ୍ଥା ଭାବରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ସରକାରଙ୍କ ହାତ ବାରିଶ ହେଇକି କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଦେଖିଲୁ ହେମନ୍ତ ଶର୍ମାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲୋକାୟୁକ୍ତ ଚୁପ୍ ରହିବା, ବିଶ୍ୱ ସେଟ୍ଟିଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଓମ୍ଫେଡ଼ ସ୍କାମ୍ରେ ମଧ୍ୟ ବି ଲୋକାୟୁକ୍ତ ତାକୁ ଏପଟ ସେପଟ କରିବା, ତଦନ୍ତ ନ କରିବା, କେସ୍କୁ ଖାରଜ କରିଦେବା, ଏସବୁ ଅନେକ ଘଟଣା ଆମେ ବର୍ତ୍ତୁଛୁ। ଯେତେବେଳେ ବଡ ବଡ ଅଫିସର ମାନଙ୍କର ହାବୁଡ଼ରେ ପଡୁଛି, ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କେସ୍ ହଉଛି ଲୋକାୟୁକ୍ତରେ, ଲୋକାୟୁକ୍ତ କୌଣସି ନା କୌଣସି ଗୋଟେ ଆଳ ଦେଖେଇକି କେସ୍ ଗୁଡାକ ରଫାଦଫା କରୁଛି। ତାହେଲେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପ୍ରଧାନ, ଆପଣମାନଙ୍କ ସ୍ୱର କଣ ବାସ୍ତବିକ ଭାବରେ କିଛି ଫରକ ପକାଉନି ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ? ଆକ୍ଚୁଆଲି ଫରକ ଯେତିକି ଆମେ ପକଉଛୁ, ଯେତିକି ଆମେ ଜଣେ ଆକ୍ଟିଭିଷ୍ଟ ଭାବରେ ଆମର ସ୍ୱଳ୍ପ ଶକ୍ତି ଏବଂ ସ୍ୱଳ୍ପ ରିସୋର୍ସ ନେଇକିରି ଆମେ ଯେତିକି ଲଢେଇବା ତା ଲଢୁଛୁ, ଆମେ ଗୋଟେ ବିରାଟର ସଂଗଠନ ଓଡିଶାରେ ଆମେ ଠିଆ କରିପାରିବୁ ନାହୁଁ, ସେଟା ଆମର ଲିମିଟେସନ। କିନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟ କଥା ହଉଛି ଗୋଟେ ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ, ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସଦାବେଳେ ଲୋକଙ୍କର ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା, ଲୋକଙ୍କର ଆଶା ଆକାଂକ୍ଷା ସଦାବେଳେ ରାଜନୈତିକ ଭାବରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୁଏ ରାଜନୈତିକ ଦଳମାନଙ୍କର ଦ୍ୱାରା। ତେଣୁ ଯୋଉମାନେ ରାଜନୈତିକ ଦଳମାନେ ରହିଲେ, ଯୋଉମାନେ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା, ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ରୁଦ୍ଧିମତ କରିବା, ସେମାନେ ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ କରିବା ଦରକାର ଆମ ରାଜ୍ୟରେ କରୁନାହାନ୍ତି। ଏବଂ ଆମେ ଯୋଉମାନେ ସିଭିଲ ସୋସାଇଟି ସଂସ୍ଥା ମାନେ ରହିଲୁ, ବହୁ ସିଭିଲ ସୋସାଇଟି ମାନେ ମଧ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ହାତ ବାରିଶ ହେଇକି କିଣାମିକା ହେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଯୋଉ ମୁଷ୍ଟିମୟ ଗୋଷ୍ଠୀ ଆମେ ରହିଲୁ, ଆମର ଆମର ଶକ୍ତି ଆମର ସାମର୍ଥ୍ୟ ବହୁତ ସୀମିତ ଏବଂ ଆମେ ସେତିକି ବାଟ ବି ଆମେ ଲଢି ପାରୁନାହୁଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କେସ୍କୁ ନେଇକିରି। ଏବଂ ଆମର ଆମେ ଯୋଉ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ବିରୋଧୀ ଦଳମାନଙ୍କର ଆମକୁ ସହାୟତା କରିବା ଦରକାର ବା ବିରୋଧୀ ଦଳକୁ ଆଗେଇ ନେବା ଦରକାର ଗୋଟେ ପଲିଟିକାଲ ଏଜେଣ୍ଡା କରିକି ରାଜ୍ୟରେ, ସେମାନଙ୍କୁ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଦୁର୍ନୀତି ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ବିରୋଧୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ଏକ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ଭୂମିକା ନେବା ଦରକାର ଓଡିଶାରେ, ତାହା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେଇପାରି ନାହିଁ, ଆମେ ସେଟା ସ୍ୱୀକାର କରୁଛୁ। ତେବେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପ୍ରଧାନ, ଯଦି ଏମିତି ଚାଲେ ଆଉ କେତେ ଦିନ ଚାଲିବ? ଲୋକମାନେ ନିଜ ହକ୍ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ମଣିଷର ଇଏ ସରକାର ଚଳାଇବାରେ ଭୂମିକା ରହିଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ମଣିଷ ଟିକସ ଦେଉଛି, କିନ୍ତୁ ନିଜର ଯେତେବେଳେ ସୁବିଧା କଥା ଆସୁଛି, ନିଜେ ଯେତେବେଳେ ସରକାରୀ ଯୋଜନା ପାଇବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଗରିବ ଅସହାୟ ବାରମ୍ବାର ବ୍ଲକକୁ ଦୌଡ଼ୁଛି, ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସ ଦୌଡ଼ୁଛି, ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ନୟାନ୍ତ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଫଳ ପାଉନି, ବାସ୍ତବିକ ଭାବରେ ଏମିତି ଆଉ କେତେ ଦିନ ଚାଲିବ ରାଜ୍ୟରେ? ଆକ୍ଚୁଆଲି ବେଶୀ ଦିନ ଇଏ ସରକାର ବହୁ ଆଗରୁ ପଳେଇଯିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ହଉଛି ବିରୋଧୀ ଦଳ ମାନେ ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁନାହାନ୍ତି, କାରଣ ଅଲଟିମେଟଲି ତ ଇଲେକ୍ସନ ତ ପଲିଟିକାଲ ପାର୍ଟି ଲଢିବ ନା, ଏଠି ତ କୌଣସି ଆକ୍ଟିଭିଷ୍ଟ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ଲଢୁନାହାନ୍ତି କି ଆକ୍ଟିଭିଷ୍ଟ ଲଢିବାର ତ ସ୍କୋପ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଲୋକଙ୍କୁ ତ ସଚେତନ ଆପଣ କରିପାରିବେ? ଆମେ ଆମେ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରୁଛୁ, ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରୁଛୁ, ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇ କେସ୍ ଲଢୁଛୁ, ଯୋଉ ଯୋଉ ଘଟଣା ଘଟୁଛି ତାକୁ ନେଇକି ଲୋକଲୋଚନ ଆଣୁଛୁ, ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଆଣୁଛୁ, ଆପଣଙ୍କର ଗଣ ଟିଭି ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ତଥ୍ୟ ବି ଖୁଲାସା ହେଇଛି, ଏବଂ ଆମେ ଲଢେଇ କରିବୁ ଗୋଟେ ଲୋକାୟୁକ୍ତ ଅନୁଷ୍ଠାନ ବି ଚେଷ୍ଟା କଲୁ କରିବା ପାଇଁ, ସେ ଅନୁଷ୍ଠାନ ବି ଅଲଟିମେଟଲି ଗଢା ହେଲା। କିନ୍ତୁ ଦେଖାଯାଉଛି ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ସୂଚନା କମିଶନ କୁହନ୍ତୁ, ଲୋକାୟୁକ୍ତ କୁହନ୍ତୁ, କୌଣସି ନା କୌଣସି ଜାଗାରେ ସରକାରଙ୍କର ମାନେ ସରକାରଙ୍କ ସହିତ ଗୋଡ଼ଣିଆଗିରି କରୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏଇସବୁ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ବସେଇକିରି ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ କେମିତି ରଫାଦଫା କରାଯିବ, ସରକାରଙ୍କୁ କେମିତି ସୁରକ୍ଷା ଦିଆଯିବ, ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ଦିଆଯିବ, ଏଇ କାମ ସବୁ ଚାଲିଛି। ଅଲଟିମେଟଲି ଆମେ ବି ବହୁତ ସମୟରେ ସଫୋକେଟେଡ୍ ବି ଫିଲ୍ କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ କରିବୁ କ'ଣ, ତେଣୁ ଯେତିକି ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ଏଇ କାମ ଗୁଡାକ କରିବା ପାଇଁକି ଆମେ କରୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ଯୋଉଟା ସବୁଠାରୁ ଗୋଟେ ଲାର୍ଜର ସିଭିଲ ସୋସାଇଟି ବା ପଲିଟିକାଲ ଆକ୍ଟିଭିଜିମ୍ ଦରକାର ଆମ ରାଜ୍ୟରେ, ସେଟା ହେଇପାରୁନାହିଁ, ସମୟ ଲାଗିବ। ଯୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋକ ସଚେତନ ହେଇଛନ୍ତି, ରାଜନୈତିକ ଦଳମାନେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ସେଭଳିଆ ତାଙ୍କର ଆସିନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ନିର୍ବାହ କରୁନାହାନ୍ତି, ଅଲଟିମେଟଲି କ'ଣ କରାଯିବ? ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏ ସମସ୍ତ ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଦ୍ୟମ ଦରକାର, ଆମ ଉଦ୍ୟମ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଜାରି ରଖୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପ୍ରଧାନ, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଉଦ୍ୟମ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, କିଭଳି ଲୋକମାନେ ସେ
जो सब सरकारी योजना रही तार बेनिफिट पाइबे राज्यवासी प्रत्येक योजनार बेनिफिट पाइबे किंतु सुजुक्त प्रधान देखो लोक मैंने अभियोग करुछंती जो मैंने गरीब असहाय से माने किंतु योजना पाउना जो मैंने धनी श्रेणीर लोक जो मैंने लाच दे पारे योजना गुड़िक बाट मारणा करते ही नौते ए प्रमुख से ये विधि व्यवस्था भितर क्यों दायी जो मैंने सब देखिए दुर्नीतिग्रस्त लोक मैंने सब ठीक ठीक जगार नवीन पटनायक सब रख जो मैंने करप्शन करेंगे लुट करेंगे जितेबाला गोटे आलिगेसन आसीजी से ही करप्ट लोक को बाहर कर देखिए विरोध में आक्शन नहीं पुणी मुख्यमंत्री नवीन पटनायक पचार कर स्वच्छ आ दुर्नीति प्रसिद्ध यही जो दृढ़ रहस्य ओडिशावासी आपको भल भाव बुझा दरकार तो तल स्तर में जो करप्शन होप्शन टा गोटे अर्गानाइज सिस्टमेटिक लुट करा सरपंच सतर संपुक्त रोचे टीआरएस रोचे पंचायत एक्जिक्यूटिव अफिसर रोचे पीडीओ रोचे समस्ते सेयार करी आपको लुट करके चलते अल्टिमेट जो गरीब लोक जो मैंने बेनिफिट दरकार लाच देकर 10,000 15,000 20,000 टाइम जो पचास निश्चित भाव में श्रीजुक्त प्रधान अति विडम्बनार कथा जे आम राज्य में आज भी असह्य दुर्नीति चलुछि आ सबुठ गुरुत्वपूर्ण कथा होछि लोके केते दूर सचेतन होउछन्ती आ या भितरे सरकार विरोधी सामाजिक कर्मी समस्त भूमिका रही साधारण जनता भूमिका रही श्रीजुक्त प्रधान आम आशा करूँ जे आपण स्वर लोक मेरे पहुँचू आपण लोक सचेतन करूँ कि गोटे सुस्थ सरकार गठन कर सुस्थ समाज गठन हो पार प्रति जनसाधारण सरकारी योजनार लाभ पाई से दिगरे लोक सचेतन हूँ आपण मैंने काम करूँ बहुत बहुत धन्यवाद श्रीजुक्त प्रधान आम सहित जोड़ी थे आरटीआई कर्मी जो तथ्य जो कथा आम आलोचना करुले आज भी लोक कच्चा घर जीवन अतिवाहित करु सरकार निघा ना सरकार पूरा सोई निदा विष्णु साजिंट कारण जितेबले बात्या कथा आसे बन्या कथा आसे से सरकार चिंता करती कच्चा घर लोक मानू कि थैथान होवाकुएसन किंतु यार स्थायी प्रतिकार आज पर्यंत सरकार करना निश्चित जो कथा आम आलोचना करुले आम सहित प्रदीप प्रधान आरटीआई कर्मी जोड़ी होते हैं बहुत बहुत धन्यवाद आम सहित कालुचरण रोते ग्राउंड जीरो पूरा स्थिति देखा समय सूची बर्तमान मत कार्यक्रम को ये रखु नमस्कार।